नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वर्ष 2020 हम सभी के लिए काफ़ी कठिन साल था। इस साल कोरोना वायरस की चुनौतियों का सामना हमारे पूरे देश ने किया तथा कई लोगों के परिवार में इसकी वजह से अपने प्रियजनों को खोया। यह भारतीय रेलवे के लिए भी काफ़ी कठिन वर्ष था, लेकिन इस वर्ष जब सारी ट्रेनें बंद थी उसमें भारतीय रेलवे के द्वारा एक क्रांतिकारी बदलाव यानी कि जीरो वेस्ट टाइम टेबल लागू किया गया। इसमें ट्रेनों के संचालन के कई छोटे बड़े बदलाव किए गए, जैसे कि स्टॉपेज खत्म करना, ब्लॉक पीरियड में ट्रेनों का संचालन निरस्त करना, पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदलना, पैसेंजर ट्रेनों के रेक को मेमो में बदलना आदि काम शामिल थे। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कार्य भी रेलवे के द्वारा किया गया, जो कि था प्रमुख स्टेशनों के पास में स्थित बाईपास स्टेशनों से ट्रेनों को गुजारना। यह बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव रहा, क्योंकि जिस वक्त ट्रेनों को प्लेटफार्म पर लेकर इंजन बदलने की प्रक्रिया की जाती है, उसी वक्त यदि किसी दूसरी ट्रेन का आगमन होता है तो उस स्थिति में उसे काफ़ी समय तक सिग्नल पर आउटर पर खड़ा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति कई बड़े स्टेशनों के साथ में देखने को मिलती है। लेकिन इसी वर्ष जनवरी में सोगरिया स्टेशन, जो कि कोटा के पास स्थित है, उसका विकास किया गया। पूर्व में यह काफ़ी छोटा स्टेशन था, जिसे कि डेवलप करके यहाँ पर सभी मूलभूत सुविधा किसी बड़ी स्टेशन की तरह उपलब्ध कराई गई। सुविधाओं में कोच गाइडेंस सिस्टम, फ्री वाईफाई, पेपरलेस रिजर्वेशन चार्ट, एसी वीआईपी लाउंज, वेटिंग हॉल है, साथ ही वीआईपी पार्किंग भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, जो कि आने वाले समय में कोटा स्टेशन का वाव कम करने के काम आने वाला है। प्रारंभिक तौर पर यहाँ पर अभी फिलहाल में केवल दो ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। एक तो है कोटा बीना मेमो एक्सप्रेस गाड़ी और दूसरी है सोगरिया नई दिल्ली इंटरसिटी गाड़ी। इन दोनों ट्रेनों का संचालन यहां से प्रारंभिक तौर पर किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में कोटा स्टेशन पर रिवर्सल लेने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन यहां से किया जा सकता है। बीना गुना की ओर से आने वाली कुछ ट्रेनें जो कि कोटा स्टेशन पर आकर रिवर्सल लेती हैं तथा अजमेर या जयपुर की ओर उसके पश्चात जाती हैं, ऐसी ट्रेनों के रिवर्सल की वजह से प्लेटफार्म व्यस्त हो जाता है तथा अन्य ट्रेनों को बाहर आउटर पर इंतज़ार करना पड़ता है। रेलवे बोर्ड के पास में पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा प्रारंभिक तौर पर दो ट्रेनों को सोगरिया से संचालन करने हेतु प्रस्ताव भेजे गए थे, जिसको कि रेलवे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। ये दो ट्रेनें हैं भगत की कोठी तिरुचिरापल्ली हमसफर एक्सप्रेस और पूरी बीकानेर साप्ताहिक एक्सप्रेस। आने वाले समय में इन ट्रेनों का संचालन कोटा की जगह सोगरिया स्टेशन से किया जाएगा, जिससे कि इन ट्रेनों का रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा। इसी कतार में छः और ट्रेनें भी हैं, जिनमें कि दयोदय एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम भगत की कोठी एक्सप्रेस, दुर्ग अजमेर दोनों साप्ताहिक गाड़ियां, कोलकाता मदार एक्सप्रेस और भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस, इन गाड़ियों के नाम भी शामिल हैं। हालांकि इनका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास में भेजे गए हैं अथवा नहीं, इसकी कोई जानकारी फिलहाल में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कंजेशन की दृष्टि से यह किया जा सकता। वैसे भी कोटा स्टेशन जो कि दिल्ली मुंबई मुख्य लाइन पर स्थित है, यहाँ पर काफ़ी ट्रेनों की आवाजाही 24 घंटे रहती है। ऐसी स्थिति में इन ट्रेनों का संचालन सोगरिया स्टेशन से किया जाएगा, तो कोटा स्टेशन पर और ट्रेनों के लिए भविष्य में जगह बन सकती है और सोगरिया स्टेशन का विकास भी इसी को देखते हुए किया गया है। तो यह थी कुछ ट्रेनों के कोटा स्टेशन को बाईपास करने संबंधी जानकारी। भविष्य में और भी ट्रेनों के नाम सामने आ सकते हैं, जिनकी जानकारी हम समय आने पर आपको उपलब्ध कराएंगे। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।